मुख्यमंत्री ने की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक, योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। ऊर्जा राज्य मंत्री ने दी बीकानेर के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को ममता एक्सप्रेस की सौगात, कहा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा होगी बेहतर। बाल गोपाल योजना में 69 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा पौष्टिक दूध, मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में विद्यार्थियों को रोजाना दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने घोषणाओं को जल्द लागू करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। ये मीटिंग बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात ये कि सभी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब ने जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो कैटेगरी ABC बनाई गई है उनको हमने कहा प्रायोरिटी रखो, जो जरूरी जो काम है उनको प्रायोरिटी में रखो। तो सब तमाम लोग बहुत तैयारी के साथ आए थे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पिछला बजट भी जो है करीब 95% भी पार कर गया। बहुत बड़े संकेत हैं कि बजट इस प्रकार घोषणा होने एक बात है, तो बजट घोषणा होने के बाद में लागू होना बहुत कठिन काम भी होता है। वो काम भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी लोगों उत्साह है और अच्छा पब्लिक भी उत्साह है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट की देश भर में चर्चा है। राज्य सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहीं लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान में 3.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। किसी भी राज्य में इतनी नौकरियां नहीं दी गई हैं। अभी जो मुझे मिले भीड़ के अंदर लोग, वो तमाम लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं। इस बार जब बजट सुना है तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ गई हमारे लिए क्या क्या घोषणा हुई है, तो वहीं से वो शुरू करते हैं। अच्छी घोषणा हुई है, हमें अच्छा लगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी जोधपुर में गया हूँ या सिरोही गया या उदयपुर गया, जहाँ जाते हैं तो पहली बात तो लोग वहाँ ये कहते हैं सब बजट बहुत अच्छा आया है, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, सबके लिए अच्छा बजट आया। नौकरी लग रही लोगों को, 3.5 लाख से ज़्यादा नौकरी लग रही है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोग महंगाई से परेशान हैं, ऐसे में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर आमजन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, तो महंगाई के हिसाब से हम लोग कैंप लगाना चाहते हैं। कैंप में रात मिले प्रश्न गाँव के संग जो बच गए का वो भी हो जाए, जितनी स्कीमें हैं पब्लिक का पैसा यूज भी तो हो। अगर मोबाइल फोन देंगे तो मोबाइल जिसको देंगे उसके काम आवे, गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, अब 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे तो वो जो जिस परिवार को देंगे उसी के काम आवे, तब तो हमारी योजनाओं का लाभ है। और उसको कोई गुमराह करके खरीद ले वो दूसरा आदमी, क्या फ़ायदा। बकायदा हम कैंप लगा के उनसे हम लोग सबसे पत्र लेंगे कि भाई हमारे चाहिए गैस सिलेंडर चाहिए, हमें 100 यूनिट में हम आना चाहते हैं। मैंने बात की, अभी आप इसकी बनाओ जिससे कि हमारी योजनाओं का लाभ जिसके लिए हमने घोषणा करी है उन तक पहुंचे, उसको लाभ मिले। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नई मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को रवाना किया। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में ये नई एम्बुलेंस मददगार साबित होंगी। उन्होंने इन एम्बुलेंस के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके।
श्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश को 167 ममता एक्सप्रेस मिली है। ममता एक्सप्रेस के जरिए महीने में 25 दिन प्रतिदिन 2 कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को उपचार और जांच की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इन एम्बुलेंस में ANM और GNM जरूरी उपकरणों और दवाइयों के साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान में बजट घोषणा में भी बहुत सारी नए हॉस्पिटल्स खोले गए हैं और इस योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। चिरंजीवी योजना में ममता एक्सप्रेस की जो नई गाड़ियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में करीब 167 नई एम्बुलेंसेज दी है और ये एम्बुलेंसेज दूरस्थ गांवों में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहाँ जा कर के यहाँ मेडिकल की जो टीम जाएगी पूरी दवाइयाँ वितरण करेगी। इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोडू में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हड्डा में 2 ममता एक्सप्रेस आज चिकित्सा विभाग के द्वारा आज रवाना की गई है। स्कूली बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चला रही है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक के 69,22,000 बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2023-24 में मिड डे मील के तहत 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों को हर दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। राज्य सरकार की इस पहल से बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान होगा, साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सकेगा। आपको बता दें कि दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए विद्यार्थियों को दूध पिलाए जाने से पहले एक अध्यापक, एक विद्यार्थी के अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा पोषाहार की तरह दूध को चखा जाता है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही विद्यार्थियों को दूध का वितरण किया जाता है। मैं बाल गोपाल दूध योजना के तहत हफ्ते में 2 बार दूध पिलाया जाता है। ये स्वाद में अच्छा है, ये हम राज्य सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। वी आर थैंकफुल टू गहलोत गवर्नमेंट हु अवेल अस मिल्क ट्वाइस इन ए वीक सो दैट वी पुअर चिल्ड्रन विल बी एबल टू हैव न्यूट्रिशन। हम राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी वजह से हम गरीब बच्चे को दूध मिल पाता है। पहले हमें दूध जैसे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन अब गहलोत सरकार की बाल गोपाल योजना की वजह से सप्ताह में हमें 2 बार दूध मिल पाता है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में पशुपालन के लिए नए नवाचार कर पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च नस्लीय पशुधन उत्पादकता के जरिए पशुपालकों के लिए भी आय और रोजगार के संसाधन विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण सेन ने बताया कि राज्य में संचालित की जा रही योजना के तहत बकरी पालकों को अब तक 124 सिरोही नस्ल के बकरे निशुल्क वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर लगाकर पशुपालकों को उच्च नस्लीय बकरों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं लाभार्थी पशुपालकों ने राज्य सरकार के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उच्च नस्लीय बकरी पालन से उनकी आमदनी बढ़ रही है, साथ ही वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवा पा रहे हैं। ये उच्च गुणवत्ता की सुरई नस्ल है, इसमें मांस उत्पादन बढ़िया होता है, दूध उत्पादन बढ़िया होती है, पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है, तो पशुपालक बकरी पालक इससे खुश है सरकार की इस योजना से। और सिरोही नस्ल के विस्तार में इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा मतलब एक तरह का ये योगदान दे रहा है क्षेत्र में लोगों को, इससे सभी संतुष्ट है पशुपालक। राज्य सरकार द्वारा जो बकरी दिए जा रहे हैं जो उच्च नस्ल के हैं और इनसे हमें बकरियों की पैदावार अच्छी मिलती है, मांस वास किसी लंबाई चौड़ाई के अच्छे बकरी मिलती है, पैदावार बच्चे मिलते पैदा होते हैं। और जो माननीय श्री लालचंद कटारिया जी पशु चिकित्सा मंत्री और माननीय मोदी अशोक गहलोत जी का यह योजना बहुत योग्य है और इससे हमें इससे बहुत लाभ होता है। दोनों का इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।